देखो टॉपिक है मृदा, मृदा यानी मिट्टी, ठीक है, मृदा यानी मिट्टी। भारत की मृदाओं का वर्गीकरण जो किया है, ठीक है, उसको उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर बांटा गया, ठीक है, किसमें बांटा गया, उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर। तो कितने भाग में बांटा गया उसको देखो, उसको बांटा गया जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा और पीट मृदा, ठीक है, और वन मृदा, ठीक। कौन कौन, जलोढ़, काली, लाल, पीली, लेटराइट, शुष्क, लवणीय और पीट मृदा। हाँ, अपना किताब से बोलो, हाँ देखो, अब मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है। मिट्टी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, सोलम से, लैटिन भाषा के शब्द सोलम से, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फर्श, क्या होता है, फर्श, ठीक है, फ्लोर यानी फ्लोर। देखो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में जलोढ़ मृदा यानी इसको कछारी मृदा भी कहते हैं, जलोढ़ मृदा यानी कछारी मृदा पाई जाती है, इंग्लिश में बोले तो अलुवियल सॉइल, अलुवियल सॉइल, ठीक है। अब रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है, काली मृदा को, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है, तो महाराष्ट्र में, रेगुर मृदा सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में। अब देखो मालवा पठार, मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है, मालवा पठार में यानी मालवा प्लेट्यू में किस मृदा की अधिकता है, तो काली मृदा, ठीक है, मालवा पठार में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। देखो काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, ये अपने आप मैंने जुताई वाला मृदा है, कैसे, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है, इसमें कम पानी की जरूरत होती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, काली मिट्टी में सबसे ज्यादा किसकी खेती होती है, कपास की खेती, ठीक है, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, ठीक है। इसका पीला रंग जो होता है ना वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, किसके कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण, मिट्टी का पीला रंग जो होता है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, और लाल रंग जो होता है वो लोहे के ऑक्साइड के कारण, किसके कारण, लोहे के ऑक्साइड के कारण। अब आ जाओ लेटराइट मृदा, लेटराइट सॉइल मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है, तो लेटराइट मिट्टी पाई जाती है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कहाँ कहाँ, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में, ठीक है। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनुर्वर यानी कम उपजाऊ होती जा रही है, ठीक है, लेटराइट मिट्टी में लोहे की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है, जिसके चलते लोहा रहेगा तो वहाँ खेती नहीं होगा जी, तो वो क्या होता है, मिट्टी उपजाऊ नहीं हो रहा है, धीरे धीरे उसका उपजाऊपन कम हो जा रहा है, ठीक है। अब मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, मृदा मिट्टी में यदि क्षारक बढ़ जाता है तो उसको कम करेंगे, क्षारक को कम करेंगे जिप्सम डाला जाता है, क्या डाला जाता है, जिप्सम। अब देखो लेटराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो लेटराइट मृदा भारत में मालाबार तटीय प्रदेश में पाया जाता है, मालाबार तटीय प्रदेश इधर है, ठीक है। अब चलो आगे और दिखाते हैं, फिर है लेटराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, मालाबार तटीय प्रदेश में। उसके बाद है सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मिट्टी में होती है, तो सबसे कम जल धारण मतलब सबसे कम पानी, पानी उसमें गया तुरंत भीतर चल जाएगा, पानी वो पकड़ेगा नहीं, ठीक है, तो वो बलुई दोमट मिट्टी में होती है, बालू मिला हुआ रहता है कोई मिट्टी में तो उसमें पानी सोखेगा नहीं, वो पानी सोख लेगा, पानी ऊपर में नहीं रहेगा, इसलिए इसको कहते हैं सबसे कम जल धारण क्षमता किस में, तो बलुई दोमट मृदा में। अब पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है, पौधों को सबसे अधिक जल चिकनी मिट्टी से मिलती है, किससे मिलती है, चिकनी मिट्टी से। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती है, तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए दलहन फसलें उगाई जाती है, दाल वाले फसल को, ठीक है, दाल वाले फसल में क्या होता है, राइजोबियम नामक जीवाणु उसके गांठों में होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन को पोषता है वो, ठीक है ना, इसलिए दलहनी फसल उगाई जाती है। अब चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है, तो चंबल घाटी का निर्माण हुआ है अवनालिका अपरदन से, अवनालिका अपरदन से, ठीक है।
चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? चाय बागानों के लिए जहाँ पर चाय की खेती होती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा लेटराइट मृदा उपयुक्त होती है, ठीक है। दोमट मृदा अलुवियल सॉइल में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो दोमट मृदा में पाया जाता है तुम्हारा गाद, मृतिका व रीत, यानी सिल्ट, क्ले एंड सैंड, ठीक है। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? तो भारत की मिट्टी में सबसे ज़्यादा जस्ता की कमी है। किसकी है? जस्ता की। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है। गंगा का मैदान, गंगा मैदान जहाँ है वहाँ पर पुरानी जलोढ़ मृदा जो है उसको कहते हैं बांगर, ठीक है। और जो नई जलोढ़ मृदा है उसको कहते हैं खादर। क्या कहते हैं? खादर। अब आ जाओ अम्लीय। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो अम्लीय मृदा मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए उसमें चूना डाला जाता है। क्या डाला जाता है? यानी जिस मिट्टी में अम्ल बढ़ जाता है, एसिड बढ़ जाता है, उसमें चूना डाल दोगे तो उसमें अम्ल का मात्रा कम हो जाएगा, ठीक है। और जिसमें क्षारक बढ़ जाता है उसमें जिप्सम डाला जाता है। क्या डाला जाता है? जिप्सम। क्या? जिप्सम। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। अब देखो लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है। जहाँ पर लवणीय मृदा यानी एसिड वाला मिट्टी होता है उसमें चूना और नाइट्रोजन कम पाया जाता है, ठीक है। अब जो जैव मृदा, जैव मृदा जो है ऑर्गेनिक सॉइल का रंग नीला क्यों होता है? तो जैव मृदा ऑर्गेनिक सॉइल का रंग नीला होता है अम्लीय व फेरस आयरन के कारण। किसके कारण? अम्लीय व फेरस आयरन के कारण। अब आ जाओ पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होता है। किसकी मात्रा ज्यादा होता है? कैल्शियम की। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? तो मरुस्थलीय मृदा में नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है। किसका पाया जाता है? नाइट्रोजन का अभाव। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो मृदा अपरदन को वन रोपण द्वारा यानी पेड़ लगाएंगे तो मिट्टी का अपरदन नहीं होगा। मिट्टी को क्या करेगा पेड़? उसके जड़ को पकड़ के रखेगा, ठीक है। जब उसको पकड़ के जकड़ के रखेगा तो मिट्टी वहाँ का बहेगा नहीं। अब देखो पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति। देखो कहीं का मिट्टी में यदि पीएच मान 1 से 6 होता है, ठीक है, तो वो मिट्टी अम्लीय होता है, उसमें अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है। यदि 7 होता है तो उसमें वो न्यूट्रल होता है, ना ज्यादा अम्ल होता है ना ज्यादा क्षार होता है, ठीक है। और जिसमें 8 से 14 होता है वो क्षारीय मिट्टी होता है, ठीक है। कौन मिट्टी होता है? क्षारीय मिट्टी। उसके बाद अब क्या है? देखो लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस, ह्यूमस यानी जीव पदार्थ की कमी होती है, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ। कोई दिक्कत? किताब उठा।